दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीमी ऐप के बारे में और आज मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे अपनी एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, एजेंसी क्रिएट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप यहाँ पे एजेंसी क्रिएट करके पैसे कमाएंगे। तो सारा प्रोसेस समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वैसे दोस्त, अगर मैं आपको मीमी एप्लीकेशन के बारे में बता दूँ तो ये एक लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। फीमेल एंकर्स के लिए यहाँ पे डेली टास्क मिलते हैं और पेमेंट का भी यहाँ पे सेल्फ विड्रो ऑप्शन दिया गया है। बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर आप यहाँ पे एजेंसी क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्त देखिए, एजेंसी क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। पहला तो ये कि आपका मीमी एप्लीकेशन में आईडी होना चाहिए और आपका आईडी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट आईडी का मतलब ये होगा कि अगर आपकी आईडी है तो किसी भी एजेंसी के अंडर नहीं होनी चाहिए, आपकी आईडी में होस्टिंग नहीं हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी आईडी में होस्टिंग है तो पहले आपको अपनी आईडी वहाँ से निकालनी होगी। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एटलीस्ट 2-4 मेंबर जरूर होने चाहिए कि जब आप एजेंसी क्रिएट करेंगे तो अपनी एजेंसी में आप उनको ऐड करेंगे और वो यहाँ पे काम करना शुरू करें। एजेंसी क्रिएट करना बहुत आसान है लेकिन एजेंसी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आपकी एजेंसी में वीकली 10 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग हो। तो ये टाइम वही मेंबर पूरा करके देंगे जिनको आप अपनी एजेंसी में ऐड करेंगे। इसलिए ये जब दो चीजें आप इकट्ठा कर लेते हैं तभी आप यहाँ पे एजेंसी क्रिएट करने का प्रोसेस शुरू करें। अब मैं आपको समझा देता हूँ अर्निंग के कौन कौन से तरीके यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्त देखिए, इस एप्लीकेशन में करीब 3 या 4 तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। पहला तो ये होता है कि जो भी फीमेल एंकर्स हैं उनको आप अपने रेफर लिंक से उनकी आईडी क्रिएट करवाएं तो उससे भी आप यहाँ पे $14 तक का पर इनविटेशन प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे यह है कि जो भी मेंबर्स काम करेंगे उनके अर्निंग पे अप टू 20% तक का कमीशन आपको मिलेगा। और अर्निंग का यहाँ पे तीसरा मेन पॉइंट ये है कि जब भी आप एजेंसी क्रिएट करते हैं तो साथ में आपको कॉइन सेलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब एजेंसी के साथ यहाँ पे कॉइन सेलर भी बन सकते हैं और कॉइन सेल करके भी आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए दोस्त, अब एक एक करके हम सारा डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन में आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस। अब मीमी लाइव एप्लीकेशन में आईडी क्रिएट करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, आईडी क्रिएट करने का। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डाउनलोड इमीजिएटली का, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप आ जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, ठीक है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड यूजर के लिए और आईफोन यूजर दोनों के लिए ही अवेलेबल है। अब मैंने ये एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो हम आ गए यहाँ पे ऐप स्टोर पे और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन करने का ऑप्शन। जैसे हम यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, ठीक है, आपके सामने ये मेरा प्रोफाइल आ गया। लेकिन जब आपने ये एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया होगा तो आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, वहाँ पे आने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल नंबर से या गूगल की आईडी किसी भी तरीके से लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद अपना यूजर नेम आपको जो भी लिखना है, डीपी आपको यहाँ पे रियल लगा देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है और आपका प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट हो जाने के बाद जैसे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका रियल फोटो होना चाहिए, फिर आपका जो भी यूज़र नेम है वो यहाँ पे दिखाएगा, आपका आईडी नंबर यहाँ पे दिखाएगा, जेंडर यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा आईडी तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अपना फेस वेरिफिकेशन करना है। तो उसके लिए क्या है, ये देखिए आपके आईडी में ही एक ऑप्शन रहेगा ऑथ का, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन, ये दोनों चीज़ें कर लेनी है आपने। अब यहाँ पे अगर आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं होता तब भी चलेगा, लेकिन फेस वेरिफिकेशन जरूरी है, फेस वेरिफिकेशन आप जरूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। जब आपका फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना है कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन दोबारा चेक करना है, वहाँ पे एक और लिंक मिलेगा एजेंसी रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऊपर मीमी आईडी नंबर आपसे पूछा हुआ है और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पूछा हुआ है, आपने क्या करना है कि फिर अपने प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद जो आपका आईडी नंबर है ये यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए मीमी आईडी का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है ये कोड और उसके बाद गेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो जैसे मेरा यहाँ पे दिखा दिया मैसेज कि जो कोड है वो आपके आईडी पे सेंड कर दिया गया है। फिर आपने यहाँ से वापस आना है और यहाँ पे आईडी पे आ जाना है। आईडी पे जैसे आप आएंगे तो आपको एक मैसेज आया होगा और यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे ये देखिए सिस्टम मैसेज दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक कोड दिया गया है जो 3 मिनट के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये 6 डिजिट का जो कोड है ये आपने देख लेना है और कोड देखने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है वो कोड, ठीक है, इस तरीके से वो कोड आपको टाइप कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद 5 से 10 मिनट के अंदर आपके आईडी में एजेंसी ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ये एजेंसी ऑप्शंस आए हैं कि नहीं ये कैसे हमें पता चलेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से आ जाना है प्रोफाइल पे अपने, ठीक है। जैसे यहाँ से हम वापस आते हैं,
और प्रोफाइल पे आ जाता है। अब प्रोफाइल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तीन ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ जाएंगे आपके, जैसे यहाँ पे एक एजेंट का ऑप्शन है, एड होस्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे कॉइन ट्रेडिंग का ऑप्शन है। जब तक आपके आई डी में एजेंसी नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पे माई एजेंसी का ऑप्शन रहेगा, बाकी ये सारे ऑप्शन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ के लिए वेट कर लेना है 5-10 मिनट और जब आपका एजेंसी क्रिएट हो जाएगा फिर आप आगे यहाँ पे मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे काम करवा सकते हैं। अब मेंबर्स को कैसे ऐड करना है वो चीज़ आप समझ लीजिए। मेंबर यहाँ पे दो तरीके से ऐड होते हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि जो भी होस्ट की आईडी होती है उसमें नीचे एक ऑप्शन रहता है माई एजेंसी का, ठीक है, उसको आप ओपन करवाएंगे। तो ओपन करवाएंगे तो उनका एक आईडी नंबर मिलेगा और होस्ट कोड मिलेगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये दोनों ऑप्शन आके आपकी आईडी में जो ऐड होस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यूजर आईडी पूछेगा और यहाँ पे देखिए होस्ट कोड पूछ रहा है। अब वही जो होस्ट की आईडी रहेगी उसमें माई एजेंसी का ऑप्शन ओपन करेंगे ना तो ये दोनों ही ऑप्शंस उनको मिल जाएंगे, ठीक है। उनका आईडी नंबर भी मिल जाएगा और होस्ट कोड भी मिल जाएगा। वो दोनों डिटेल यहाँ पे ऐड करके सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करेंगे तो होस्ट की आईडी में एक इन्विटेशन जाएगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उनकी आईडी में होस्टिंग हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। आपने क्या करना है कि जो आपका आईडी नंबर है, जैसे यहाँ से हम बाहर आते हैं, ये आपका आईडी नंबर है, ये आपने कॉपी करना है और होस्ट को दे देना है। फिर वो होस्ट क्या करेगी कि जो उसका माई एजेंसी का ऑप्शन है ना उसको ओपन करेंगे और वहां पे ये कोड डाल के सेव कर देगी। जैसे ही वो होस्ट आपकी आईडी नंबर वहां पे डाल के सेव करेगी उसके आईडी में होस्टिंग हो जाएगी। ये काफी इजी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया यहाँ पे होस्ट को ऐड करने का। होस्ट ऐड हुई है कि नहीं, आपकी एजेंसी में कैसे काम कर रही है, कितना काम कर रही है, ये सारा देखने के लिए आपकी आईडी में जो एजेंट का ऑप्शन है इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करेंगे तो ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा होस्ट का, ठीक है। जैसे यदि कि होस्ट का ऑप्शन है, कितने होस्ट हैं वो सारा रहेगा। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक एक होस्ट का सारा डिटेल दिखा देगा कि उनका लेवल कितना है, कितने देर वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे आके आप सारा डिटेल उनका चेक कर सकते हैं। अब दोस्त, होस्ट को ऐड करना और उससे कमीशन कमाने का ये तो मैंने दूसरे नंबर पे आपको बेनिफिट बताया था। पहले नंबर वाला पॉइंट था रेफर एंड अर्न का। तो आपने क्या करना है कि होस्ट की जो भी आप आईडी क्रिएट करवाएंगे, आपने ऐसे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं करने के लिए बोलना है। आपने क्या करना है कि आपकी आईडी में जो यहाँ पे देखिए इनवाइट का ऑप्शन है इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक कोड आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का, ठीक है। जैसे ये देखिए इनवाइट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कोड आ जाएगा। ये कोड आपने कॉपी करना है और ये कोड आपने होस्ट को सेंड कर देना है ताकि वो इस लिंक से आईडी क्रिएट करें। वैसे भी दोस्त देखिए लड़की ने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से या कहीं से एप्लीकेशन को तो डाउनलोड करना ही है यूज़ करने के लिए, ठीक है। अगर इस लिंक से वो डाउनलोड करती हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा और इसी से आप बाद में लड़कियों को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो लड़की प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और एप्लीकेशन तो फिर वही डाउनलोड होगा, ठीक है। तो ये लिंक से आईडी क्रिएट करने का फायदा ये हो जाता है कि जो भी बेनिफिट एजेंसी को मिलता है उसी से बाद में होस्ट को सपोर्ट किया जा सकता है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो अर्निंग वाले ऑप्शंस आपको समझ में आ गए, एक तो रेफर एंड अर्न वाला और एक यहां पे जो होस्ट को हम ऐड करते हैं वो। तीसरा मैंने पॉइंट बताया था यहां पे कॉइन सेलिंग का। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फिर से आ जाना है अपने प्रोफाइल पे और यहां पे देखिए कॉइन ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आ जाता है। अब यहां पे क्या है कि एक कॉइन का पूरा प्राइस लिस्ट होता है इस एप्लीकेशन की तरफ से, जिसको फॉलो करके आप यहां पे कॉइन सेलर भी बन सकते हैं और उससे भी आप अपना प्रॉफिट यहां से अच्छा खासा कमा सकते हैं और ये सभी एजेंसीज के साथ ही ऑप्शन मिल जाता है। कॉइन सेलिंग करने के लिए देखिए आपके पास ये कॉइन्स होने चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, एक तो एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर टॉप अप कर सकते हैं। एक्सचेंज क्या होता है, तो जैसे हमारी ये अर्निंग वाले पॉइंट्स है ना जिसको हम विड्रॉ करते हैं, अगर आप विड्रॉ नहीं करते तो इसी को आप दूसरे कॉइन में कन्वर्ट करके सेल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए आपको क्या करना है कि वही कॉइन ट्रेडिंग के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो एक एक्सचेंज का ऑप्शन था उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे ऑप्शंस आते हैं तो मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए हमें यहाँ एक्सचेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमारे पास इतने पॉइंट्स हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे और जितने भी पॉइंट को आप यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे दिखा देगा कि कितने आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद ये कोड यहाँ पे आपको डाल देना और एक्सचेंज कॉइन पे क्लिक कर देना है, फिर ये हमारे कॉइन्स कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस तरीके से एक्सचेंज करने के बाद हमारे आईडी में यहाँ पे कॉइन्स आ जाएंगे जिसको आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास अर्निंग में माई अर्निंग में मतलब इतने सारे पॉइंट्स नहीं है जिसको आप कन्वर्ट करें तो फिर आप ये जो दूसरे कॉइन्स होते हैं इसको भी आप होलसेल रेट पे परचेज कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको टॉप अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो 30% एक्स्ट्रा वाले कॉइन्स होते हैं ये देखिए, ये सारे ऑफलाइन कॉइन सेलर्स हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से भी आप कॉइन्स को परचेज कर सकते हैं। जब आपके पास यहाँ पे कॉइन्स आ जाएंगे तो फिर आप ये रिचार्ज करने के लिए आईडी इस तरीके से यहाँ पे आईडी नंबर आप पेस्ट करेंगे जिस भी बंदे से आपको पेमेंट मिला रिचार्ज करने के लिए, फिर ये ऑप्शन पे आके कितना कॉइन आप देना चाहते हैं ये आपको टाइप कर देना है और डन पे क्लिक करने के बाद ट्रांसफर पे आप क्लिक करेंगे तो ये कॉइन्स उसके मेल आईडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि
ये तीनों ही एजेंसी की अर्निंग वाले मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे जो भी अर्निंग होती है, जैसे आप कॉइन सेलिंग के ऑप्शन में नहीं जाना चाहते, आप विड्रो करना चाहते हैं, चाहे आपकी लड़कियाँ जो भी हैं होस्ट हैं वो अपने पेमेंट को विड्रो करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी पॉइंट का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि कहाँ से आपको कितनी अर्निंग हुई है, फिर विड्रो नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ विड्रो नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि किस तरीके से आप पेमेंट को विड्रो करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने आ जाएगा कि मैं बाइनेंस से अपना पेमेंट निकाल सकता हूँ, ईपी अकाउंट से, या फिर यूएसडीटी के फॉर्म में, या फिर बैंक अकाउंट से, किसी भी तरीके को यूज़ करके मैं अपने पेमेंट को निकाल सकता हूँ। अब जैसे मैं ईपी अकाउंट को यूज़ करता हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे ईपी अकाउंट है, तो लेकिन आपको अगर ये सभी ऑप्शंस नहीं पता तो आप बैंक अकाउंट को यूज़ करें। बैंक अकाउंट यूज़ करने के लिए जैसे यहाँ पे आप बैंक बाइंड पे क्लिक करेंगे तो एक पेमेंट कोड होता है, ये आपको सेट कर लेना है। ठीक है, मैंने सेट किया हुआ है तो ये मैंने कोड डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमें बैंक का, जैसे बैंक अकाउंट में जो हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो डाल देना है, बैंक का नाम हमें डाल देना है, बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक का अकाउंट नंबर, एड्रेस में आपको अपनी सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यूपीआई नंबर भी साथ में लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये सारे डिटेल ऐड कर देने के बाद जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये जो पेमेंट विड्रॉल का ऑप्शन है यहाँ पे नीचे ऑप्शन में यहाँ पे दिखा देगा आपका अकाउंट नंबर और आपने बैंक सेलेक्ट किया है ये चीज। ठीक है, उसके बाद से कितना डॉलर आपको विड्रॉ करना है वो सारा यहाँ पे अर्निंग आपका दिखाता रहेगा। कितना डॉलर विड्रॉ करने पे क्या ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं वो आप नीचे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और विड्रॉ नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि कितना डॉलर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे मल्टीपल 10 का चलता है, इस तरीके से करने के बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी तरफ से पेमेंट विड्रॉ करने के लिए अप्लाई हो जाएगा और कुछ देर में ही आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और जब भी ये पेमेंट आपका आएगा तो फिर यहाँ पे देखिए जो इनबॉक्स है इस एप्लीकेशन का, ये वाला, यहाँ पे आपको मैसेज भी आ जाएगा और यहीं पे पेमेंट विड्रॉ होता है, मतलब जब पेमेंट आपके पास आएगा तो कन्फर्मेशन का भी मैसेज आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिमी एप्लीकेशन में एजेंसी क्रिएट करने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स और एजेंसी क्रिएट करके कैसे काम करना है ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।